दोस्तों वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ, एक ऐसा शो जहां आपकी हर बीमारी का आयुर्वेदिक निदान देते हैं आपको डॉक्टर प्रताप चौहान। ये तो राइम करता है। हमारा नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 01294088152। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए डॉक्टर साहब जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि PCOS को डायग्नोज कैसे किया जाता है। देखिए, डायग्नोसिस तो इसका बिल्कुल सिंपल है। एक तो सबसे पहला लक्षण यही होता है कि पीरियड्स डिले होने शुरू हो जाते हैं। दो महीने तीन महीने अगर पीरियड्स नहीं आए, वेट बढ़ने लगता है जी। इधर चिन पर या चेहरे पर जो हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा। और फिर उसके बाद जनरली जब एक छोटी सी चीज होती है कि अगर कोई चीज एबनॉर्मल होती है तो आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड जनरली कराते हैं लोग जी। तो अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है कि भाई सिस्ट वहां पर फॉर्म्ड है ओवरी के अंदर। तो इस प्रकार से डायग्नोसिस हमारे पास अगर कोई ऐसे बाय चांस आ जाता है विदाउट एनी टेस्ट, तो हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं। अच्छा। तो उसमें वात और कफ का जो है प्रकोप मिलता है। थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री उनकी लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिलता है, कोई इमोशनल कोई हिस्ट्री मिलेगी उनकी। और इसके अलावा अगर कोई और स्ट्रेस फैक्टर मिलता है, क्योंकि वो रजस और तमस की हमने बात की, रजोगुण और तमोगुण की बढ़ जाता है। हाँ जी, वो बढ़ जाता है जी। तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में। अभी इस तरह के काफी केसेस आते हैं मेरे पास जिनको के इस चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता और उससे बीमारी होती है। एक मेरे पास पेशेंट अभी 2-3 महीने पहले मेरी क्लिनिक पर, मेरे को याद आ रही है डॉक्टर साहब, ये केस करी हम एक फोन कॉल के बाद से। बिल्कुल। हेलो हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन सकती हैं? हाँ जी, मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा जी, इटर्नल हेल्थ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बताइए आपकी क्या परेशानी है? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मैं एक्चुअली, मेरा शरीर पहले से ही मोटा था। हाँ जी। मैं मोटी थी पहले से, लेकिन शादी के बाद मैंने और गेन कर लिया वेट जी जी। और उसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। काफी हमने ट्रीटमेंट भी लिया दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कुछ असर नहीं हुआ। शादी को 5 साल हो गए हैं। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आपने, देखिए इतना बुद्धि का प्रयोग किया है, आपने कहा है कि शायद वजन मेरा ज्यादा है इसलिए कंसीव नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही आपने ये निर्णय निकाला है, क्योंकि ओवरवेट होने से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ इसको स्रोतस अवरोध या कफ की वृद्धि बोलते हैं जी। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो वजन कम करना है अपना। अच्छा। आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स अगर रेगुलर हैं आपके, तो हम इसमें दो चीज करना चाहेंगे, एक तो स्रोतस शुद्धि, दूसरा एक और फैक्टर हम काफी देखते हैं ऐसे केसेस में कि दोनों दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें सारी चीजें नॉर्मल होती हैं फिर भी कंसीव नहीं होता। तो वहां हम ये मानते हैं कि जो एग और स्पर्म है उसकी शक्ति कम होती है, मतलब उसमें पोटेंसी कम होती है, तो उसके लिए थोड़े हम रिजुविनेशन रसायन या ताकत बढ़ाने वाली चीजें दोनों को ही देते हैं। तो आपको सबसे पहले हम शोधन का कार्य कराएंगे, और इसमें मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यहाँ पर संपर्क करें, किसी भी तरीके से फोन पर करें, चाहे आप अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, क्योंकि मुझे कम से कम 3 महीने तक आपको कुछ चीजें देनी पड़ेंगी जिससे कि जो ब्लॉकेज अंदर है, फैट जो डिपॉजिट हुआ है, उसको मुझे पहले क्लीन करना है, उसके बाद मैं आपको ताकत की दवाई दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर जो है भगवान आपके यहाँ खुशखबरी जरूर जो है कुछ ना कुछ जरूर होगी जी। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि माँ बनने की आपकी ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसी फोन कॉल से मैं एक प्रश्न उठाती हूँ जी, उसके बाद आप जिस केस स्टडी के बारे में बात कर रहे थे वहाँ जाएंगे जी। पर ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है जी। बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं जो दावा करते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी हो इनफर्टिलिटी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो कि ये बढ़ी क्यों है प्रॉब्लम, बढ़ने का कारण भी वही है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है और खाना पीना, देखिए आहार और विहार दो ही चीज मुख्य हैं। जो प्रॉब्लम्स पहले नहीं होती थी वो आज इतनी क्यों बढ़ रही हैं? तो क्या चीज चेंज हुई हमारे जीवन में? एक हमारा लाइफस्टाइल और एक हमारा फूड, यही चेंज हुआ है। तो सीधा संकेत उधर ही जाता है कि हमारे आहार और विहार में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें वही अपना वात वर्धक आहार विहार जो है इसको बिल्कुल जो है नियंत्रण में करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है तीसरी चीज ये होती है कि हमारी बॉडी में या जो हमारे ये जो मेन तत्व जो होते हैं बच्चा पैदा करने वाले जी, जिनको कि हम बीज बोलते हैं आयुर्वेद में, बीज से ही पौधा होता है, तो वो फीमेल में एग होता है,
मेल में स्पर्म्स होता है जी। ये भी वीक हो गए हैं क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, वही जंक फूड और ये सब हम खाते हैं जी। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर रिजुवनेशन का इलाज हम बताते हैं, ताकत की चीजें देते हैं जिससे बीज में पोटेंशी आए और ये हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आप एक केस स्टडी के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, मैं वो रजस और तमस की मैंने बात जी, की थी जी। कि कई बारी जो है इमोशनल कोई ट्रोमा, ये एक यंग लड़की की बात है, उसका कोई किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह था, वो ब्रेक हो गया, उसके ब्रेक होने के विद इन 6 मंथ उसको ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जो है। देखिए यहाँ पर वही, क्योंकि एक उसके दिमाग में एक जो है वृद्धि हुई, रजोगुण तमोगुण या मेंटल डिजीज हम इसको कहते हैं, चाहे उसको वो ग्रीफ की वजह से हुई या इमोशनल कोई उसको सेटबैक लगा उसकी वजह से हुई, तो इससे सबसे पहले उसके माइंड में एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी या इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हुई जी। जिसको कि हम रजोगुण और तमोगुण से जोड़ते हैं। उसके बाद जो है उसके ये पीरियड्स में ब्लॉकेज का शुरुआत हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी कभार जो है हमें इस पर भी गौर करना चाहिए जी। इसको एकदम से ऐसा नहीं कि अब ये बंद हो गया है तो हार्मोन की टेबलेट खाना शुरू करा दीजिए। डॉक्टर साहब, हमने बात की इनफर्टिलिटी के बारे में, PCOS के बारे में जी। अब मैं जानना चाहती हूँ ये जो मेनोपॉज होता है जी, आपने बात भी की थी कि 45 के बियॉन्ड जो औरतें हो जाती हैं, मेनोपॉज शुरू हो जाता है, इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी, पर उसके पहले वही छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों यहाँ लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। हमारा नंबर लिख लीजिए, हमारा नंबर है 01294088152। अगर आपको कोई परेशानी है, आपके घर पे आपकी मम्मी को, भाई भाभी, किसी को भी कोई परेशानी है, हमें फोन कीजिए। I'll see you after a very short break.